स्कूल जाता है, सर्दी होगी, मोटे कपड़े डाल लेकर बेटा, पूरी बाजू के कपड़े डाल लेकर। अच्छा यहाँ बैठी लगी, मैंने तेरी बहुत चिंता हो रही, मैं तो बहुत कुछ खाने लग रही बेटे, सलाद भी सब्जी भी, घिया की तोरी की टिंडे हरी सब्जियां रोटी। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं विहान के लिए, और मैं अभी दुकान पे जा रही हूँ, बाइक पे जाऊंगी, मेरा टाइम बचेगा। मैं सही में इतनी खुश हूँ ना इस बाइक के साथ मेहनत करी, क्योंकि अब मेरा टाइम इतना बचता है, वरना मेरा रोना छूटता था, मुझसे नहीं इतना पैदल चला जाता, मतलब यहाँ से यहाँ। मेरे घुटने इतने कामयाब नहीं है, बट अब अच्छा लगता है कहीं भी जाना हो अपना, क्योंकि यार थक जाता है बंदा, इतना कितना पैदल चले अब। और पता, टाइम बहुत खराब होता था। अब जैसे मुझे कुछ भी सामान लाना है दुकान से, आने जाने का मतलब है मेरा 1 घंटे से ज्यादा टाइम, करीबन 1.5 घंटा खराब हो जाता था सिर्फ दुकान, क्योंकि 50-55 मिनट तो आने जाने में, 15-20 मिनट दुकान पे। अब मेरा टाइम की बहुत अच्छे से बचत हो रही है, क्योंकि अब मैं जाऊंगी हमारी TVS XL 100 पे। फाइनली देख लीजिए आप, मैं खुद चला के लाई हूँ, एक्चुअली मुझे दुकान से सामान लेना है, तो देखो मैं दुकान पे पहुंच गई हूँ। एक मैं ये घी का डब्बा लेने वाली हूँ, मुझे ये वाला ठीक होता है, मधु का है, पता नहीं कैसी ब्रांड है, दूसरा देख लूँ क्या, यही ले ही लेती हूँ अब तो, क्योंकि मैं छोटा डब्बा ही लाना था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवा रखा है, फिर वो मेरा 2-3 दिन में आएगा, तब तक के लिए ये ठीक है। एक पैकेट मैं यहाँ से ले रही हूँ दही अमूल मस्ती, बस यही लेके जाते हैं। ले लिया मैंने सामान, तो अब चलो घर की तरफ। बाइक मैंने पार्क कर दी है इधर, घर आ गई हूँ, बहुत जल्दी आ गई, टाइम बच गया मेरा। थोड़े थोड़े बनाने के चक्कर में बिल्कुल ही थोड़े से बने हैं, पता नहीं विहान का पेट भरेगा नहीं, अदरवाइज रोटियां बना रखी है मैंने, शाम को वो खिला दूंगी। ये मेरा ना फेवरेट खाना है, दही चटनी, दही चावल, सॉरी। आ जाओ विहान, खाना खा लो। विहान ने खा लिया, रात का डिनर हो गया बाबू का, ये इतने चावल छोड़ दिए, दही मैंने खिला दी है कंप्लीट, ये चावल मैं कुत्ते को डाल दूंगी। मैं नहीं खाती अब, पहले मैं खा लेती थी विहान का बचा हुआ खाना, बट अब मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इसी से वजन बढ़ता है, भूख नहीं है, फिर भी धक्के से कि प्लेट में बचे हुए हैं खत्म कर दो, क्या फायदा है ऐसे, उसे बढ़िया मैं अब कुत्ते को डाल देती हूँ जो बचा हुआ खाना होता है, मैं नहीं खाती लेफ्ट ओवर। ये जो सब्सक्राइबर सर ने जो ड्राइंग बुक भिजवाई है ना, इसमें ये जो इधर ये कलर्स दे रखे हैं एक्चुअल में कलर है, मुझे भी नहीं पता था, देखो इनको हम पानी लगाएंगे ना ये अपने आप पानी से, यार मैं मुझे भी नहीं पता, मुझे तो लग रहा है शायद ये कलर है, रुको मेरा शक सही निकला, एक मिनट इसके ऊपर मैं रखती हूँ। मैं ये देख रही थी, ये देखो ये ना ड्राइंग बुक पता कैसी है, इसको जैसे ब्रश को गीला किया, उसके बाद इसको ऐसे ऐसे किया, इसमें ना कलर इस ड्राइंग बुक के अंदर ही दे रखे हैं, देखो ना जैसे ये रेड कलर है, तो ये लिया कलर और देखो इसमें भर दिया, ये देखो ना यहाँ से जैसे कलर्स की प्लेट दे रखी है पूरे में इसमें, ये इधर तो ये इधर से फाड़ लो, उसके बाद इसमें कलर जैसे बच्चा करे, तो ये देखो इसमें पानी डाला, जैसे इसमें अब हमें ये वाला कलर चाहिए, तो इसको हल्का सा भिगो दिया, कलर तो इसमें हल्का हल्का ही है, और इसमें भर दिया, ये देखो जैसे मैंने इसमें भर दिया, ये ना पहले पानी में भिगोते हैं, पानी में भिगो ब्रश, इसके बाद इसमें करो, अब इसमें लगा दो, इतनी कामयाब नहीं है देखो ये वाले कलर्स, इतने कामयाब नहीं है, क्योंकि इससे ना बहुत इसमें कुछ कलर खास है नहीं, बस ये है हल्का फुल्का सा है, देखो कितना लाइट कलर है इसमें, बहुत कम है। अब मुझे याद ही नहीं रहा मैंने तो मंगवाया था ना अभी, हमारे पास तो है वाटर कलर्स, एक मिनट में लाइट बंद, मेरी कितनी वो आदत है ना कि हाथों हाथ लाइट, मतलब मैं लाइट जल्दी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, उस कमरे में जाऊंगी तो उस कमरे की लाइट बंद करनी है, उस कमरे में इसकी, तो ये वाले जो कलर्स थे नहीं करनी। आ रही है सीट पे बैठा दूं, सही में आ रही है, आ रही है क्या विहान आपको? नहीं, चलो विहान को मैं सीट पे बैठा के आई हूँ, वो उसको पोटी करनी थी, वो ये कलर्स बता रही थी, इसमें ना अब इसमें आराम से भरेगा ये वाला, इसमें सारे कलर्स हैं मेरे पास, तो अच्छे से कर लो फिर बाद में फिर बोलोगे मेरे को, कह रहे कर ली कोटी, ये रे कितने
इतने प्यारे कलर्स है ना, इनसे करेगा ना विहान ड्राइंग। पहली बार है, मैं इसको सिखा दूंगी कैसे करते हैं। नहीं, सबसे पहले विहान मैंने आपको क्या सिखाया, क्या करना है, पानी में डालो, पानी में ब्रश डालो, डाल दिया। अब कहा ब्रश, इसमें इसमें लगाओ, इसमें चलाओ, ये वाला बेटा इसमें, हाँ इसमें चलाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो हो रहा है ना, ये भी है कलर। ये बाद में छेड़ेंगे बेटा, अब इसमें करो, चलाओ ब्रश, चलाओ ब्रश, हाथी में भरो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो देखो, निक्कर पहना दूं? हाँ। क्यों निक्कर क्यों पहननी है व्यान को? हाँ हो गई ना, अभी पहना दूंगी निक्कर। करो करो बेटा करो, कौन सा कलर चलाओगे बताओ? ये चला दो चला दो। अच्छा ये वाला, अच्छा पेंसिल कलर लो, ये चला लो। कौन सा? ये वाला, ये लो चलाओ, इसमें भर दो, इसमें भर दो, हाथी में, हाथी में भरो। वेरी गुड, चलाओ चलाओ। हाँ पानी में डालो, इसमें लगाओ ना, इसमें चलाओ पहले। ये मैं जो ये इलास्टिक वाली दीवान शीट आई थी उसे बिछाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और मुझे था चलो मैं रात को ही बिछा के देखूंगी। और देखिए मैं बताऊं कि मुझे ये कैसी लगी, तो सो सो है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी। अच्छी एक्चुअली मैं बात बताती हूँ, मुझे ना दिक्कत आ रही थी इसे मतलब बिछाने में। देखिए ना, जब मैं इधर से लगाती हूँ तो उधर से फंस जाती है, मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटी हो, या फिर हो सकता हो कि जैसे 6x4 का मेरा जो दीवान है ना, उस हिसाब से आप खुद देखिए, जैसे मैं गद्दे पर लगा रही हूँ ना, तो ये ना मतलब पूरी तरीके से सेट नहीं बैठ रही है अच्छे से। या तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ऐसी शुरू ही करते ही मैंने गिव अप मार दिया हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना थोड़ी छोटी है 6x4 के दीवान के हिसाब से। बट ये भी नहीं कहूँगी कि ये 6x3 के दीवान के साइज़ की है, लेकिन इस ये ना थोड़ी सी ना सही नहीं, सेटिंग नहीं बैठ रही, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है या तो इसको हम 2-3 बार अच्छे से यूज़ करेंगे, इसके ऊपर बैठेंगे तो धीरे धीरे शायद इसका इलास्टिक लूज़ हो जाएगा धीरे धीरे, उसके बाद ये सही सेट बैठेगी। या फिर हो सकता हो मैं बिछाने में गलती कर रही हूँ, अगर मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं देखूँगी अभी इसको ना 3-4 बार यूज़ करके देखेंगे धीरे धीरे, क्या पता इसका धीरे धीरे इलास्टिक ढीला हो जाए चादर का, तो ये सही सेट हो जाएगी। और अदरवाइज नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें साइड में इलास्टिक लगा रखा है पूरी दीवान शीट में, सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसका इलास्टिक निकाल सकते हैं साइड में से, फिर ये नॉर्मल दीवान शीट बन जाएगी। तो ये देखो अभी आज पापा जी पीछे बेडरूम में सो गए हैं, पीछे वाले कमरे में, तो आज मैं आगे वाले कमरे में सोऊंगी, इसीलिए मैं आज अपना दीवान पे ये बेडशीट बिछा के अपना बेड तैयार कर रही हूं। विहान और मैं आज आगे वाले कमरे में सो जाएंगे, अदरवाइज हम पीछे वाले रूम में सोते हैं, और पीछे वाले कमरे में हमारे ना इतनी ठंडक होती है ना, इतनी कूलिंग होती है, क्योंकि पीछे का कमरे का ना पंखा इतना फास्ट है, इतना तेज़ चलता है ना, तो इतनी ठंडा ठंडी हवा हो जाती है। और ये देखो आप, ये ट्रैक्टर विहान बोलता है ठीक कर दो जोड़ दो, ये मैंने रात को मेरे को एकदम से भूख लगाई तो ये देखो मैं क्या खा रही हूँ, मैं घी नमक की रोटी खा रही हूँ, तो इसमें मैंने घी नमक लगा के ऐसे ही फोल्ड करके इसको ऐसे ही खा लिया है। पहले बचपन में जब छोटे थे तब ऐसे ही खाया करते थे घी नमक की रोटी, मुझे तो टेस्टी लगती है, घी लगाने के बाद ना हर एक चीज़ अच्छी लगती है, घी का टेस्ट ही अच्छा होता है। तो रोटी पे घी लगा दिया था, थोड़ा सा नमक, और मैंने रात का ये डिनर कर लिया। हेलो एवरीवन, रात के 10:30 बज रहे हैं, और ना पहले ऐसा मौसम होता था कि ना अंदर तो ठंड होती थी और बाहर गर्मी, अभी पिछले कुछ महीनों से तो बाहर निकलने का ही दिल नहीं करता था घर से, क्योंकि गर्म गर्म सा होता था मौसम। बट अब जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है ना, अब घर के अंदर तो गर्मी लगती है, मैं घर में अंदर जाती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है पंखे में भी गर्मी लग रही है, और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, वो मौसम है, क्योंकि अभी फिलहाल मच्छर भी नहीं है कि जैसे घर के बाहर एक खाट बिछा के ठंडी ठंडी हवा में आराम से मच्छरदानी लगा के अच्छा सा बढ़िया सो जाओ, इतना मन कर रहा है, मन ही नहीं करता अंदर जाने का भी घर के। और विहान तो अभी सो चुका है, और एक्चुअली कल मुझे एक प्रमोशन वीडियो बना के देनी है, और 12 बजे से पहले देनी है मुझे,
वही है ना कि कल फिर पूरा दिन मेरा उसी में चला जाएगा, विहान को स्कूल जाने के बाद फिर मैं वो काम करूंगी। तो मैंने सोचा फिर अभी वीडियो जो है मेरा उसकी एंडिंग में आप लोगों से बात मैं अभी करके एडिटिंग करके रख लेती हूँ एक वीडियो, तो ताकि फिर मेरे को क्योंकि और भी काम है कल मेरे को, थोड़ा बहुत उस हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है। और सीरियसली बता रही हूँ, ये जो स्कूटी है ना, ये जो TVS है मेरी, मेरे को इतनी खुशी हुई है ना सच में, जब से मैंने ये खरीदी ना, मतलब 1.5-2 महीने से तो मेरी 2 महीने से ऐसी ही रखी हुई थी, जब पापा जी आए तो इसको न्यूज़ में लगाना शुरू कर दिया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। अब तो सच बता रही हूँ इसको चलाने में अब तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे ना घुटनों में, मैंने आपको बताया है, मेरे जॉइंट्स पेन की दिक्कत रहती है, मेरे कोई बीमारी नहीं है कि किसी बीमारी की वजह से मेरे जॉइंट पेन है, बस मेरे जॉइंट पेन है, मेरे हाथ पैर वैसे ही दुखते हैं और मेरे से इतना नहीं चला जाता जैसे होता ना। पहले मैं बहुत चलती थी, मैं आपको ही पता है, लेकिन पहले मैं, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बोला करते थे कि निधि आप ना ले लो कुछ ना कुछ व्हीकल, आपके पास होना चाहिए, बट मैं लेती ही नहीं थी, पता नहीं क्यों, मुझे लगता था नहीं मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं अपना कर तो रही हूँ, पैदल चली जाती हूँ, और मैं जाती भी थी। लेकिन अब मैं परेशान होने लगी थी जब से विहान का स्कूल हुआ, कुछ भी हो गर्मी में जाना बहुत दुखी होने लगी थी, इतनी तेज़ गर्मी, इस बार मई जून जुलाई की गर्मी, कुछ भी काम हो गर्मी में पूरा सीख जाते थे पैदल पैदल चलना, क्योंकि आपको पता है वैसे हमारी सोसाइटी है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है चलाने में, क्योंकि आपको पता है हर तरफ से बंद है ना, बाहर का ट्रैफिक तो होता नहीं है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है यहाँ पे अभी इस टाइम। और आपको मैं बता रही थी कल की वीडियो में कुछ बता रही थी परसों की, मैं फिर मैं उस टाइम बता नहीं पाई आपको, क्योंकि फिर पापा जी आ गए थे। मैं ये कह रही थी कि ना अभी पता है क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ना TVS रखी हुई है यहाँ पे अपनी आज इधर, तो कल की बात है, कल ना यहाँ सड़क पे खड़ी थी इधर इस साइड, तो एक छोटी बच्ची है उसने ना अपने ऊपर गिरा ली थी, लेकिन वो बच गई क्योंकि वो तो उसी टाइम भैया थे उन्होंने पकड़ ली। तो मैं वही बात बता रही हूँ कि ना अब जैसे ना मैं ये जैसे TVS है अब घर के अंदर रखती हूँ मैं वैसे नॉर्मली, तो क्या होता है बार बार निकालना ले जाने में भी दिक्कत होती है कि बार बार आप गेट खोलो फिर उसको निकालो फिर वापस करो। तो पता है मैं ये सोच रही हूँ जैसे अभी इस एरिया में भी मैं रख रही हूँ, तो मैं ना यहाँ पे ना अगर जब भी हो मेरे पास, अभी फिलहाल तो मेरा ब्योत नहीं है इस चीज़ का, मैं ना एक ना जैसे ये जो मेरा एरिया है ना जहाँ मैं ये टाइलें लगवा रखी हैं इधर ना मैं वो वाली लगवाऊंगी, जैसे मैंने ये बंदर जाल है ना इसी तरीके का 3-3 फुट का बंदर जाल लगवा के थोड़ा सा कवर करवा लूंगी, फिर जैसे फिर तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे मेरी स्कूटी वगैरह ये है बाइक है एक दो चीज़ें और भी अगर बाहर भी रखी रहे तो दिक्कत क्या है, उस गेट एक और लगवा लूंगी। मीन्स मुझे ना अभी मैं आपको कुछ बताती हूँ, एक्चुअली जो मेरा पहले वाला घर है ना उस टाइम आप लोग कहते भी थे उस टाइम, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या काम करवाना है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरीके का ना एक जाल लगवा के एक दरवाजा लगवा दूंगी उसे, वही मैं कल से ही सोच रही थी, ये आइडिया मेरे माइंड में तभी आया क्योंकि मैं ये जैसे TVS रखती हूँ ना बाहर, तो टेंशन नहीं रहेगी फिर ताला लग जाया करेगा, और विहान का भी डर नहीं लगे करेगा क्योंकि वो भी जिद करता है थोड़ा बाहर खेलने की, और फिर थोड़ा देखना भी पड़ता है, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा। जैसे ये देखो बात करते करते मैं वो बहुत नज़दीक है ये वाला घर आ गई, ये मैंने इसका इस पे भी करवा सकती हूँ, जैसे एक छोटा सा गेट बनवा सकती हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ पे तो बस मेरे को 2-2 फीट ऊंचा करके बंदर जाल लगवा के यहाँ पे भी एक गेट लगवा सकती हूँ, लेकिन इस घर में मैं नहीं करवा रही हूँ भी काम, ये सोच रही हूँ क्योंकि इस घर में कोई रह तो रहा नहीं, फालतू में इस घर पे पैसा लगा के करूँ क्या मैं, अगर कोई रहता हो तब तो बंदा सोचे भी कि मैं मेरे को काम करवाना है मुझे इस घर में रहना है, अब उस घर में मैं रह रही हूँ तो उस घर का ही मैं ये काम करवाऊंगी। और एक और चीज़ आपका जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरी दीवार को लेके कि वो दीवार पूरा ख़राब हो गया, मुझे भी पता है वो ख़राब हो गया, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ मैं PVC शीट लगवा लूँगी, वो उस दीवार पर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सब करवा चुकी हूँ, सिलन नहीं है कुछ और ही दिक्कत है इसमें मेरे ख्याल से, या तो AC की दिक्कत है, मैंने चेक भी करवा लिया है सारा, तो उसमें कुछ भी नहीं करवा सकते। आप कहते हो कि क्योंकि डॉक्टर फिक्स इट वगैरह लगवा दो, बोलो कुछ नहीं होता उन सबसे, मैंने ट्राई करके देख लिया, सीमेंट वगैरह से दोबारा अच्छा सीमेंट लगवाया था, फिर सीलन आती है ना वहाँ बार बार आती ही है, तो इसको तो मैं कवर ही करवा लूँगी, अभी नहीं करवाऊँगी लेकिन ये काम, क्योंकि अभी जाने दीजिए ना थोड़ा टाइम रुक के करवाएंगे, थोड़ा सा जब थोड़ा सा हाथ में पैसे होंगे ढंग से, अभी इस महीने के इस साल के आखिरी में देखेंगे, अगले साल देखेंगे, अभी नहीं, 2-3 महीने अभी रुक जाना चाहिए हमें, क्योंकि और भी खर्चे हैं उनको भी हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। और बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम मुझे यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में घूमने में, मेरे को ना पता है मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, जब अभी तो जैसे थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, मैं वैसे गर्मियों में नहीं घूमना पसंद करती, लेकिन जब सर्दियों में एकदम ठंड
चिल्ड ठंड होती है ना, जो गंदे वाली ठंड होती है, जब हर कोई घर के अंदर होता है, एकदम धुंध, एकदम कोहरा होता है बाहर सड़कों पे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसे टाइम में ना मुझे ना अपनी स्वेटशर्ट पहन के, जैकेट पहन के, अपना सिर को कवर करके मुझे ना वॉक करना बहुत पसंद है। मतलब अच्छे वाली सर्दियों की ठंड में ना मुझे घर से बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। मीन्स मेरे को ना सर्दियों में, मतलब अंदर एक तो वो होते हैं लोग जो सर्दियों में अपना बिस्तरे में बैठे रहते हैं, रजाई में घुसे रहते हैं, एक होते हैं जो ठंड में बाहर निकलने वाले, मुझे ठंड में बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती बिस्तरे में घुसे रहना सर्दियों, कितनी भी ठंड आए मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर्दियाँ, और मेरे को सच में मेरा फेवरेट मौसम है मुझे सर्दियाँ। मतलब अभी अच्छी, बहुत ज़्यादा वाली सर्दियाँ नहीं अच्छी लगती, लेकिन जो ये नवंबर वाली जो ठंड होती है ना, हल्की फुल्की ठंड, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे अक्टूबर में थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, अक्टूबर नवंबर अभी 2 महीने बहुत अच्छा अच्छा मौसम रहने वाला है, और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ इस मौसम को, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। पापा जी सो रहे हैं अभी, इसीलिए तो बाहर घूम रही हूँ मैं, क्योंकि पापा जी घर पे आए हैं अभी तो, अदरवाइज मैं कहाँ निकलती हूँ। विहान सो भी रहा होता तब भी मैं ऐसे बाहर नहीं घूमती हूँ अकेले, विहान को छोड़ के भी घर में, सड़क कॉलोनी में भी नहीं घूमती, जैसे मैं आज घूम रही हूँ ना वैसे भी नहीं घूमती हूँ मैं। जब मेरा बच्चा अंदर सो रहा हो ना तो मैं उसके साथ अंदर ही होती हूँ घर में, लेकिन आज एक्चुअली पापा जी हैं वहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। तो ठीक है जी, और उस घर की बात कहूँ, मम्मी वाला पहले घर, तो निश्चिंत रहिए उस घर का मैं सारा काम करूँगी, धीरे धीरे करके सारा टिप टॉप बना दूँगी उस घर को, एकदम बढ़िया रहने लायक बहुत अच्छा बनाऊँगी मैं बहुत काम करूँगी उस घर पर भी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपको तो दिन में मिलेगी ये वीडियो 11 बजे ना, तो गुड मॉर्निंग, बाय बाय।